बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा की जय हो। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि अभी बतल है। अब आप सब लोग रंग भरी एकादशी और होली मनाई, हमार शुभकामना है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है, क्यों ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल के कई इमारतों को एक्वायर किया गया, भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। मैं सबसे पहले सरकारी मुलाजिम तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब सरकार कोई काम दे तो सरकार के मुलाजिम उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना, बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाए। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और दो चार लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया, और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके
बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। कितने सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, कितनी बार अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहां की आस्था ने उसको पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवित दिया, पुनर्चेतना दी और यह क्रम सदियों से चलता आ रहा। जब महात्मा गांधी यहां आए थे तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। उन्होंने भी बीएचयू में अपनी बात बताते समय इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाए थे। उसको भी कुछ समय के बाद शायद 100 साल हो जाएंगे उनकी बात को। अहल्या देवी ने सदियों के बाद इसका पुनरुद्धार का बेड़ा उठाया था, करीब करीब 225-250 साल पहले, और तब जाकर के उस स्थान को एक रूप मिला, परिस्थिति मिली। अहल्याबाई का बहुत बड़ा रोल रहा इसको। अगर आप सोमनाथ जाएंगे तो सोमनाथ में भी अहल्याबाई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शिव भक्ति में लीन अहल्याबाई राज्य की धुरा संभालते संभालते इस काम को भी करती थी, लेकिन उसको भी करीब करीब 225-250 साल बीत गए। बीच के कालखंड में भोले बाबा की चिंता किसी ने की नहीं की, सबने अपने अपने की। मैं हैरान हूं जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया, और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। इस पूरे धाम में जब अब देश और दुनिया के यात्री आएंगे तो उनको अजूबा लगेगा कि कैसा काम हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। और शासन व्यवस्था भी 70 साल तक चुप रही, लोग सब चीजें दबाते गए। लेकिन आज उन 40 मंदिरों की मुक्ति का भी अवसर आ गया, और मुझे बताया गया कि शायद बहुत दशकों के बाद ऐसी शिवरात्रि यहां मनी होगी जो इस बार मनी है। इतना खुला परिसर था, शिव भक्तों का जमावड़ा था, हजारों की तादाद में लोग अपने मोबाइल फोन से सेल्फी ले रहे थे। आप सोशल मीडिया में देखिए इस परिसर की तस्वीरें लाखों की तादाद में आज दिख रही है। एक सपना था, और आप देख रहे हैं यहां जो मॉडल रखा है और ये फिल्म में जो आप देख रहे हैं, अब मां गंगा के साथ भोले बाबा का सीधा संबंध जोड़ दिया है। गंगा से हम सीधे स्नान करके भोले बाबा के चरणों में आकर के सर झुका सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ महादेव, ये भोले बाबा का स्थान करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है। लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण
काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा माँ तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें माँ गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। 225 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए, और इसीलिए शायद जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था, और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है कि जितना ज्यादा, और ये सिर्फ काशीवासियों के जीवन से जुड़ा नहीं है, देशवासियों से जुड़ा हुआ है। मैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया, प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर की गई, लोगों ने कैसे सहयोग दिया, एक केस स्टडी के रूप में यूनिवर्सिटी ने काम करना चाहिए। और एक तरफ ये धाम का निर्माण होता चले और काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी इस रिसर्च काम को भी साथ साथ करे, ताकि जब इस काम पूरा होगा तो एक ऐसा वॉल्यूम हम दुनिया के सामने दे पाएंगे कि एक परिसर को कैसे बनाया गया, धाम का निर्माण कैसे किया गया, कैसे कैसे लोगों का इसका इन्वॉल्वमेंट रहा, और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन इससे बन सकता है। शास्त्रोक्त रूप से जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। शास्त्रोक्त जो बंधन है उसका पूरा पालन करते हुए इसको किया गया है, ताकि आस्था को कहीं पर भी खरोच ना आए। आज ये काशी विश्वनाथ धाम अपने आप में समग्र काशी की नवचेतना का केंद्र बनने वाला है, सामाजिक चेतना का केंद्र बनने वाला है। ये आस्था सामाजिक चेतना का केंद्र बन जाती है तब सामाजिक क्रांति का अवसर पैदा करती है। ऐसा पवित्र कार्य आज इस धरती पर हो रहा है। मैं फिर एक बार योगी जी की सरकार को, क्योंकि अगर शुरू के मेरे 3 साल मुझे राज्य सरकार का सहयोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्घाटन करते होते, लेकिन पहले 3 साल मेरे एक प्रकार से असहयोग का वातावरण रहा था, उसके कारण मैं कर नहीं पाता था। लेकिन जब से आपने योगी जी को उत्तर प्रदेश का काम दिया है, तब से काशी के कामों में भी सुविधा बनी है और उन सुविधाओं को पूर्ण करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि काशी वासियों की आशा अपेक्षाओं को हम पूर्ण करेंगे। और ये जो 40 प्रसाद ले जाने दीजिए, सही जगह पे जा रहा है, और उनको मालूम है क्या हाथ लगा दा। तो हम लोग ये जो 40 मंदिर प्राप्त हुए हैं उसको भी उसी प्रकार से संभालेंगे, उसका भी महात्म्य बढ़े इसकी व्यवस्था करेंगे, उसके भी चीजें पुरातत्व समय खोज करके अगर मिलती हैं तो BHU के लोग इसको भी खोजें कि कितने साल पुराना है, कितने दशक, कितनी सदियों पुराना है, कब बना था। तो अपने आप में ये काशी के आत्मा और हमारी व्यवस्थाएं दोनों मिलकर के आगे बढ़ेगी। मैं फिर एक बार बाबा के धाम में, बाबा के चरणों में
अपना सर झुका करके काशीवासियों के आशीर्वाद के साथ इस पवित्र कार्य का आज आरंभ हो रहा है। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।